सो पिग डेटा मॉडल क्या बोलता है? इट सपोर्ट्स फोर बेसिक टाइप्स, एटम, टपल, बैग एंड मैप. दीज आर द फोर डेटा, बेसिक डेटा टाइप्स. एटम्स आर द सिंगल सिंपल वैल्यू, ठीक है, एक सिंपल वैल्यू, कैरेक्टर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है. तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एटम बोल रहे हैं, ठीक. अगर एक, उसके बाद टपल, आप लोगों ने पाइथन में काम किया तो बहुत कुछ आपको इजिली समझ में आएगा. टपल, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फील्ड्स दैट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, लाइक दिस. दिस इज अ टपल. इट कैन हैव मल्टीपल डेटा बाय सेपरेटिंग देम इनटू बाय सेपरेटिंग देम कॉमास, ठीक है. फिर बैग. बैग क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टपल्स, और इनसाइड अ टपल इट कैन हैव अगेन इनर टपल, ठीक है. तो ये बैग होता है, लाइक हियर यू कैन सी, ये 43 और 45 ये इनर टपल्स हैं, एंड इट दिस ऑल इज क्रिएटिंग अ बैग जो आपको कर्ली ब्रेसेस में दिख रहा है, ठीक है. अ कलेक्शन ऑफ टपल्स ऑफ पोटेंशियली वेरिंग स्ट्रक्चर दैट कैन कंटेन डुप्लीकेट्स ऑल्सो. ओके, देन मैप. मैप भी हम लोग पाइथन में यूज करते हैं. इट इज एन एसोसिएटिव अरे विच वर्क्स इन अ की वैल्यू पेयर, वेयर यू आर स्टोरिंग योर डेटा इन की वैल्यू पेयर. सो की मस्ट बी कैर अरे होना चाहिए, एंड वैल्यू कुड बी एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है. इंटीजर हो सकता है, कैर अरे अगेन हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी, बट द डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ की वैल्यू पेयर. सो दीज आर द फोर बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ द बिग डेटा मॉडल, ठीक है. ये फोर डेटा टाइप्स को आपको याद रखना है. बाई डिफॉल्ट पिग, अगर आपका अनडिक्लेयर्ड फील्ड्स है तो उसको वो बाइट एरे लेता है. बाई डिफॉल्ट इट टेक्स अनडिक्लेयर्ड फील्ड एज बाइट एरेस, ठीक है. पिग कैन इन्फर अ फील्ड्स टाइप बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑपरेटर दैट एक्सपेक्ट्स अ सर्टेन टाइप ऑफ फील्ड्स, है ना. ऑपरेटर हो सकता है, कुछ ऑपरेटर्स कुछ टाइप ऑफ फील्ड को, किसी टाइप के टाइप को सपोर्ट ना करते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. टाइप कन्वर्जन की बात हो रही है, लेजी टाइप कन्वर्जन होता है इसमें. यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूडीएफ विथ अ नोन और एक्सप्लिसिटली सेट रिटर्न टाइप. यूडीएफ में आपने रिटर्न टाइप क्या सेट किया है उस पर भी आपके फील्ड का टाइप डिपेंड करता है, ठीक है. स्कीमा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई अ लोड फंक्शन और एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड यूजिंग एज क्लॉज. एज क्लॉज से हम लोग जैसे करते हैं, या फिर लोड फंक्शन में अगर हमने स्कीमा प्रोवाइड कर दिया है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि फील्ड, जो फील्ड टाइप है क्या रखना है, क्या इन्फर करना है. सो डेटा टाइप कन्वर्जन इज लेजी हियर इन बिग डेटा मॉडल, ठीक है. एग्जीक्यूशन टाइम पर ही वो टाइप कन्वर्जन होता है, नॉट इन कंपाइलेशन टाइम, ठीक. तो ये याद रखना है, लेजी कन्वर्जन होता है इसमें बिग डेटा मॉडल में. इट सपोर्ट्स नेस्टेड डेटा मॉडल्स टू. यू कैन हैव लाइक टपल के अंदर आप एटॉमिक वैल्यूज रखते हो, बैग्स के अंदर, और लिस्ट जो हम लोग उसमें पाइथन में बोलते हैं, बैग्स के अंदर आप टपल्स रखते हो. तो इट इट इज अ नेस्टेड डेटा मॉडल. इट अ फुल इट इज अ पिग लैटिन हैज अ फुल्ली नेस्टेबल डेटा मॉडल. एडवांटेज क्या होगा? प्रोग्रामर्स को इजी हो जाएगा, रेदर देन यूजिंग फ्लैट टपल्स इट हैज मल्टीपल डेटा टाइप्स, ठीक है. ज्वाइन करने में इट अवॉइड्स एक्सपेंसिव ज्वाइंस, ओके, नेस्टेड डेटा मॉडल होने से. देन पिग एग्जीक्यूशन मोड्स. पिग वर्क्स इन टू एग्जीक्यूशन मोड्स, लोकल मोड एंड मैप रिड्यूस मोड. लोकल मोड मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोकल मोड पे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है उसको लोकल मोड बोल रहे हैं. टू स्टार्ट द पिग इन दैट लोकल मोड यू जस्ट हैव टू राइट पिग माइनस एक्स लोकल. आई हैव रिटन हियर पिग माइनस एक्स लोकल, ठीक है. और अगर मैप रिड्यूस मोड पे आपको काम करना है, मैप रिड्यूस मोड का मतलब क्या? हम HDFS पे काम करेंगे. वी विल बी टेकिंग डेटा फ्रॉम HDFS एंड स्टोरिंग डेटा इनटू HDFS. सो दैट इज मैप रिड्यूस मोड. इट यूटिलाइजेस द पावर ऑफ हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. एंड टू स्टार्ट पिग इन मैप रिड्यूस मोड जस्ट आपको पिग माइनस एक्स लोकल की जगह मैप रिड्यूस लिखना है. इट इज रिटन हियर, ठीक है. तो इस तरीके से हम किसी भी दो मोड में एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आपकी फाइल कहाँ पर है जिसपे आपको काम करना है. इफ इट इज स्टोर्ड देयर इन द लोकल फाइल सिस्टम और वो बिग डेटा नहीं है, बिग फाइल नहीं है, दैट कैन बी रन. उसमें आपको पैरेलल काम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वो नहीं लेगा. देन यू कैन रन योर इन योर लोकल फाइल सिस्टम ऑल्सो विदाउट यूजिंग द पावर ऑफ HDFS. एंड इफ यू वॉन्ट टू रन दैट इन मैप रिड्यूस मोड देन यू हैव टू फर्स्ट स्टोर योर फाइल
file from the local file system into HDFS, then only you can run this big pig script file in the map reduce mode. ठीक है, तो दो एग्जीक्यूशन मोड्स आपके हैं, लोकल मोड एंड मैप रिड्यूस मोड. इंटरैक्टिव मोड्स, थ्री टाइप्स के इंटरैक्टिव मोड्स हैं, बट मेजरली हम लोग ये दो यूज करते हैं. एक्चुअली इंटरैक्टिव मोड और बैच मोड. इंटरैक्टिव मोड मतलब लाइन बाय लाइन आप कोड लिखते जा रहे हो, बस आपने पिग लिखा, उसके बाद आप शेल ग्रंट शेल में एंटर कर गए, वहां पर बस आप कमांड दे रहे हो और काम कर रहे हो, इनपुट आ रहा है, फिर आप इनपुट दे रहे हो कमांड से, आपको आउटपुट मिल रहा है बेस्ड ऑन द कमांड्स दैट यू हैव गिवन. दैट इज इंटरैक्टिव मोड, लाइन बाय लाइन हमेशा से यही जानते हैं. बैच मोड में यू प्रोवाइड अ स्क्रिप्ट फाइल एंड दैट स्क्रिप्ट फाइल विल एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द लाइंस ऑफ द कोड इनसाइड द पिग स्क्रिप्ट फाइल, इट विल गिव्स यू आउटपुट. ठीक है, तो एज यू कैन सी ये आउटपुट यहाँ पर लगा हुआ है. ग्रंट शेल में जैसे मैंने ऊपर लिखा PIG पिग, ये लिखा है, तो मैं ग्रंट शेल में एंटर कर गई. इंटरेक्टिव मोड के नीचे जो आउटपुट है उस पर देखिए, देखो फिर क्या लिखा है, कस्टमर इक्वल टू लोड. यहाँ पे कस्टमर क्या है, आई एम टेकिंग इट एज ए न्यू वेरिएबल, दैट इज अ रिलेशन नेम, जो कस्टमर का रिलेशन नेम है. अब सारा का सारा डेटा मैं लोड कर रही हूँ इस रिलेशन नेम पे. नेक्स्ट टाइम मुझे पिग के अंदर अगर मुझे इस डेटा को कॉल करना है, विच इज डॉट DAT फाइल ऑफ कस्टमर, तो मुझे कस्टमर नेम से ही कॉल करना पड़ेगा. ठीक, तो लोड कर रहे हैं LOAD, ये कैपिटल में है और ऐसा ही होता है, इसको याद रखना. जो भी कमांड्स हैं पिक के वो कैपिटल में ही जाते हैं. लोड एंड देन आई हैव गिवन पाथ कि कहां पर डेटा स्टोर है. ठीक, एंड देन एज करके एज क्लॉज के साथ हमने यहाँ पे स्कीमा बता दिया कि जो डेटा लोड करना है उसमें फर्स्ट कॉलम ID है, दूसरा सिटी है एंड नेम है. मतलब कस्टमर रिलेशन के अंदर आई हैव थ्री कॉलम्स, CID, कस्टमर ID, सिटी एंड नेम. ठीक है, तो इज इन दिस वे. और अगर स्क्रिप्ट फाइल रन करना है, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर ये लोड कमांड लिखा हुआ है, तो आई कैन डायरेक्टली यूज दैट पिग और उसके आगे फाइल का नेम डॉट पिग एक्सटेंशन के साथ हम बैच मोड में रन कर सकते हैं. एंड देर इज वन मोर मोड, दैट इज एम्बेडेड मोड, जो हम लोग UDFs डिफाइन करके, अगर जावा में टू राइट एनी UDFs, इफ आई एम यूजिंग जावा कोड टू राइट, मतलब पिग लैटिन के अलावा मुझे अगर किसी और लैंग्वेज में UDFs लिखना है, तो हम एम्बेडेड मोड का यूज करते हैं. ओके, सो देर आर थ्री इंटरैक्टिव मोड्स, इंटरैक्टिव, बैच एंड एम्बेडेड मोड, जिसपे आप एग्जीक्यूट. एक्चुअली ये इंटरैक्टिव मोड की जगह मुझे लिखना था एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म, पिग एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म. देर आर थ्री मोड्स, इंटरैक्टिव, बैच एंड एम्बेडेड मोड्स. ठीक है, देन यही सेम चीज मैंने यहाँ लिखा है. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिग एंड एसक्यूएल, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बता दी है, एक बार और रीड कर लेते हैं. पिग इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू इंटरैक्ट विद HDFS, एंड एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज विच इज यूज टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस. ठीक, इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑल्दो इट प्रोसीजरल लैंग्वेज है, बट इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. प्रोसीजरल लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट हैज अ स्टेप बाय स्टेप डेटा फ्लो डिफाइंड. इट इज नॉट अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल, वेयर यू हैव फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर इन अ सिंगल ब्लॉक, देन ओनली यू कैन रन दैट क्वेरी. यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल डेटा फ्लो है. ठीक है, इवेल्युएशन पैटर्न इन पिग इज लेजी इवेल्युएशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी डेटा लोड आपने कर दिया है वो रिलेशन तब तक लोड नहीं होगा या उस पर एरर कुछ भी नहीं बताएगा जब तक वो एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगा, तो इट इज अ लेजी लेजी कन्वर्जन. सो इवेल्युएशन पैटर्न इन पिग इज लेजी इवेल्युएशन, वेयर इज एसक्यूएल डू इमीडिएट इवेल्युएशन. स्कीमा डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल इन पिग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू डायनेमिक स्कीमा हम इसमें कर सकते हैं, चेंज होते हैं, बट इन एसक्यूएल स्कीमा इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू डिक्लेयर इट फर्स्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव लैंग्वेज. सो इन एसक्यूएल वी हैव वेरियस टेक्निक्स फॉर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन. यस करेक्ट, वी कैन ऑप्टिमाइज अवर क्वेरी बाई यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, बट इन पिग वी डोंट हैव मच अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज इट डजेंट गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू इट्स यूजर. इट डज परफॉर्म ऑल द ऑप्टिमाइजेशन इन साइड इंटरनली, बट डजेंट गिव दिस टू दिस फैसिलिटी टू इट्स यूजर.
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पिग एंड एसक्यूएल. दिस कैन बी आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो ये याद रखना. एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हो, और यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड पिग कमांड्स. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वी हैव टू ट्रैक कस्टमर इन टेक्सास हु स्पेंड मोर देन $2,000. ठीक, तो एसक्यूएल में आप कैसे करोगे, सेलेक्ट कमांड का यूज करके कस्टमर आईडी और सम अमाउंट आप निकाल रहे हो एज सी टोटल फ्रॉम कस्टमर्स. ठीक है, एलियास नेम दिया. ज्वाइन कर रहे हो किसको किसको, सेल्स को, सेल्स के कस्टमर आईडी को, और जो कस्टमर का जो टेबल है उससे दोनों की आईडी को मैच कर रहे हो. और कौन से कॉलम्स, कौन से रोज टपल्स को निकाल रहे हो जिसमें टेक्सास लिखा हुआ है, ग्रुप बाई, सीआईडी, ये आपको तो समझ आ ही रहा होगा. यहाँ पिग में मैं बता रही हूँ, देखो लोड किया हमने पहले कस्टमर को पिग के अंदर, ठीक, लोड कमांड से. वैसे ही सेल्स को लोड किया. देखो देखो डेटा फ्लो है, प्रॉपर डेटा फ्लो है. इसी तरीके से होगा कि पहले आपको लोड करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन परफॉर्म सम, यू कैन पुट सम ऑपरेटर्स ऑन दैट रिलेशंस. तो अब मेरे पास दो रिलेशन है, कस्टमर और सेल्स. इस रिलेशंस पे अब मैं काम कर सकती हूँ. तो अब मैंने क्या किया, मुझे करना क्या है, मुझे टेक्सास सिटी में जितने भी कस्टमर है उनको फिल्टर करना है. कहाँ से, कस्टमर रिलेशन से. तो ये मैंने कर लिया, फिल्टर इज अ कमांड कैपिटल में लिखा है. कस्टमर रिलेशन है हमारा बाय सिटी इक्वल टू टेक्सास. देखो एलियाज में हमने यहाँ पे सिटी लिखा है, इसलिए यहाँ पे सिटी लिख रही हूँ. अब ज्वाइनिंग ऑपरेशन के लिए ज्वाइन करना है मुझे कस्टमर और सेल्स को. तो ज्वाइन इज वेरी वेरी ज्वाइनिंग इज वेरी इजी हियर इन पिग. ठीक है, जैसे कि इस एसक्यूएल में हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि तो स्कीमा डिफाइंड नहीं है. तो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा कॉलम्स होंगे तो इट विल एड एज एन अनदर कॉलम, कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा. तो ज्वाइनिंग को हमने ज्वाइंट रिलेशन में स्टोर किया, ज्वाइन कस्टमर बाई कस्टमर आईडी एंड सेल्स टेक्स बाई, दोनों की कस्टमर आईडी सेम होगी तो हमने ज्वाइन कर दिया. ग्रुप किया ज्वाइन बाई कस्टमर आईडी, देन सम किया जनरेट ग्रुप. ये सब जितने भी कैपिटल में लिखे हैं दीज आर द ऑपरेटर्स ऑफ पिग. सम किया एंड देन स्पेंडर रिलेशन में हमने फाइंड आउट कर लिया $2,000 के ऊपर जितने भी हैं उनको हमने फिल्टर कर लिया यूजिंग फिल्टर कमांड. ठीक है, सॉर्ट कर लिया. ऑर्डर, ऑर्डर बाई वहां यूज करते हैं, देखो यहाँ ऑर्डर बाई, वही ऑर्डर यहाँ. ऑर्डर स्पेंडर्स, ये स्पेंडर्स जो हैं उनको ऑर्डर किया बाई $1 डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड देन डम कर दिया सॉर्टेड में. मतलब सॉर्टेड इज अ रिलेशन विच इज डम. अब ये जो है आप देख सकते हो, ये रिजल्ट है जो एचडीएफएस में स्टोर होगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड पिग. सो इट हैज सम लिमिटेड ऑपरेटर्स, इट ऑल्दो इट हैज रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स, बट आपके पास कुछ लिमिटेड ऑपरेटर से आपका इंपॉर्टेंट काम हो जाता है. यहाँ पे एक एसक्यूएल का जैसे कि एक क्वेरी लिखा हुआ है, इन द सेम वे हियर ऑल्सो वी कैन राइट इन अ सिमिलर वे. तो क्योंकि यहाँ ऑप्टिमाइजेशन यूजर को मिलता है, इसलिए हम क्वेरी ऑप्टिमाइज करके एसक्यूएल में लिख सकते हैं, वेयर इज पिग में हम वैसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको ये ऐसा दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पिग एंड एसक्यूएल. इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन और कुछ डेटा पे काम करना चाहते हो तो दीज आर द डिफरेंट डेटा सेट्स दैट यू कैन डाउनलोड एंड वर्क ऑन. ठीक है, जिसपे आप डिफरेंट पिग डेवलपमेंट कर सकते हो. ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो.